थे चंदन क्यारी के इस चंडीपुर टोल मैदान में। अब से 48 घंटे शेष बचे हैं, लगभग 48 घंटे भी नहीं है, 36 घंटे होंगे। रविवार को सुबह 10 बजे देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे। देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इसे चंदन क्यारी की पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर के पूरे क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह का वातावरण है। सभी लोग अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए व्याकुल हैं और एक उत्सव सा वातावरण पूरे चंदन क्यारी के आसपास में बन करके खड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड के आम चुनाव, विधानसभा के आम चुनाव के चुनावी सभा में गुमला और चंदन क्यारी, ये दो जगह 10 तारीख को चुनावी सभा करेंगे। 10 बजे चंदन क्यारी है और लगभग 1 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब गुमला में है। प्रधानमंत्री जी लगभग 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जनता को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से चंदन क्यारी के सुधी जनता को, इस राज्य की जनता को और जो भी उनके प्रशंसक है, उन सभी लोगों को आमंत्रण करना चाहता हूं कि आइए, अपने देश के लाडले प्रधानमंत्री को सुनिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 10 साल में भारत को एक आशावादी देश के रूप में, भारत के 125 अरब देशवासियों के मन अंतर में एक ऊर्जा का संचार करके विश्व के अग्रणी देश में शामिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, इस सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने के फिराक में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को इन्होंने दुभर बनाया है। यहाँ युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का कोई सम्मान इनके नज़र में नहीं है और आज वो खुलेआम सलाम अलैकुम कह करके यहाँ के लोगों को चिढ़ाने का और यहाँ के लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ऐसे बंटी बबली की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो युवाओं ने संकल्प लिया है, माताओं ने, बहनों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक आवाज़ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे चंडीपुर फुटबॉल मैदान में पधार रहे हैं। आप सब लोग जरूर आइए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए। यहाँ लाखों की भीड़ होने वाली है, इसलिए समय रहते 8-9 बजे तक यदि आप सीटें ले लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए भी सुविधा होगी। और कुछ लोग जो लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के सोशल मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं, मैं उनसे फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। यह एक तरह से जो साइबर आपको गाइडलाइन है चुनाव आचार संहिता, उसका भी उल्लंघन मात्र है। मैं चंदन क्यारी के वैसे तमाम लोगों को मैं एक तरह से फिर से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करता हूं कि कहीं भी इस तरह का अफवाह या कुछ भी फैलाने की कोशिश ना करें। कौन कौन से डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। निरसा विधानसभा, जरिया विधानसभा, सिंदरी विधानसभा, धनबाद विधानसभा, बागवारा विधानसभा, चंदन क्यारी, बोकारो, गोमिया, टुंडी और बेरमो, ये सारे विधानसभा के, उत्तरी छोटा नागपुर के जो धनबाद और बोकारो जिले के जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, गिरिडीह का कुछ अंश जो पड़ता है, उसे सभी विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ रहने वाले हैं। चंदन क्यारी के लोगों ने ही संकल्प लिया है कि भाई हम लोग सबसे पहले पहुँचेंगे और जो सीटें हैं वो हम लोग खुद से भर देंगे। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, उत्साह जबरदस्त है, माहौल इस तरह सा का है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिनके कारण से उनका घर बना है, जिनके कारण से उनको आयुष्मान के माध्यम से इलाज मिला है, जिनके कारण से उन्हें इज्जत घर बना है, जिनके कारण से उनके घर में जो है गैस का कनेक्शन आया है, जिनके कारण से उन्हें अन्न का योजना मिला है, जिनके कारण से प्रधानमंत्री जी कृषि सम्मान निधि का पैसा उनके खाते तक पहुंचा है, जिसके कारण से उनको जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोलने का अवसर मिला है, ऐसे देश के उन्नयन का नेतृत्व देने वाले
चंदन क्यारी के 63 गांव में 2014 के पहले बिजली नहीं थी, ऐसे 63 गांव में 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से उन गांवों में बिजली पहुंचाना, चंदन क्यारी में 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने के लिए पावर का सब ग्रिड और 5 नए सब स्टेशन देना, ऐसे कई एक काम चंदन क्यारी इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के कई एक काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है उसको, जिनके नेतृत्व में हुआ है उनको देखने सुनने के लिए सोशल मीडिया और पत्र पत्रिकाओं में तो बहुत देखा है, लेकिन साक्षात सम्मुख देखना एक अलग आनंद देता है। और इस लिए से चंदन क्यारी की जनता बहुत ही उत्साहित होकर के उनके आने का पलक पखवाड़े बिछा करके इंतजार कर रही है। और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक ही नहीं होगा, मुझे लगता है न भूतों न भविष्यति, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक उम्मीदों भरा झारखंड जो 2047 के विकसित भारत का निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वो किसी प्रकार का तुष्टिकरण बांग्लादेशी घुसपैठ उसका प्रेम नहीं करके झारखंड और झारखंडी आदिवासी और आदिवासीयत है और यहाँ के माटी बेटी रोटी की सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा, ऐसा सरकार NDA भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगा जो 5 साल लगातार आगे बढ़कर डबल इंजन के साथ झारखंड और चंदन क्यारी के विकास में महत्वपूर्ण इंडिया 10 बजे माहौल बदलने लगेगा। मेरा कहना है माहौल तो पहले से बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चुनावी सभा का वो संबोधित करने के लिए, 10 विधानसभा के लोगों के यहाँ संबोधन है, 10 में किसी विधानसभा में वो जा सकते हैं, यहाँ लगातार 2 बार से अपने लोगों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, माहौल अनुकूल है उसको और अनुकूल, अब जनता को एक सौभाग्य एक इतिहास के बनाने का मौका मिला है। भाई इससे पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, इससे पहले भी बड़े बड़े नेता होते थे, लेकिन इस धरती पर इस चंदन क्यारी की धरती में कितने लोग आए, उन लोगों ने हमेशा चंदन क्यारी को तिरस्कार के भाव से देखा है, चंदन क्यारी को हमेशा उपेक्षा के भाव से देखा है, चंदन क्यारी की जनता को हमेशा पिछड़ा है गरीब है ऐसा एक बेचारापन बेचारगी ला करके देखा है। कभी चंदन क्यारी अपने रीढ़ पे खड़ा हो, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, उनके जो एपिसोड होते हैं उसमें चंदन क्यारी की चर्चा करें, चंदन क्यारी में 6 का अनुसंधान केंद्र संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का चंदन क्यारी में है इसकी चर्चा हो, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा है। वो कभी नहीं सोचते हैं कि भाई चंदन क्यारी में एक स्टेडियम हो जहाँ से 4 साल के अंदर कोई आर्चर गोल्डी मिश्रा नेशनल गोल्ड रेसलिंग नेशनल इसमें हो, ऐसा कभी उन लोगों का भाव ही नहीं रहा है, उन लोगों ने हमेशा इसको तिरस्कार के रूप में देखा है, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल किया है। चंदन क्यारी अब अपने पैरों पे खड़ा है, चंदन क्यारी अब अपने पैरों पे खड़ा होकर के न सिर्फ अपना बल्कि झारखंड के भी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के कलाकार यहाँ के नागरिक यहाँ के सारे जो है हर एक व्यक्ति इस राज्य के उन्नयन में इस देश के उन्नयन में अपनी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ चुका है और एक चंदन क्यारी की खुशबू आज पूरे देश दुनिया में बिखर रही है। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर क्या कहेंगे? झूठ का पुलिंदा वापस लेकर के आया है, काट की हांडी जो 5 साल में जल करके राख हो गई है उस काट के हांडी को पानी से छान करके फिर चढ़ाने का एक प्रयास मात्र है, और जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं 2019 के पहले उन्होंने ऑलरेडी करके रखा था, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के बदले ये डबल झूठ, क्योंकि 2019 के पहले खाली बंटी झूठ बोल रहा था इसलिए उसने 5 लाख रोजगार देंगे ऐसा वायदा किया था, अब तो बबली भी आ गई है तो दोनों मिला करके मियां बीवी मिलकर 10 लाख का वायदा कर दिया, इस बार आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, ना उन्होंने 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी ना अब 1 नौकरी देने वाले हैं, अगर कोई नौकरी भी देंगे तो CGL की परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली और आरोप लगे हैं और बच्चे अभी भी सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि यह सरकार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी आने से इसकी CBI जांच होगी या परीक्षा रद्द होगा, नहीं तो ये 27 लाख में इस परीक्षा को भी भेज देंगे, जो 2, 4, 5, 10 जो इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली है उसको भी ओपन फॉर ऑल किया और उसको भी बेचने का काम किया। आज झारखंड में ना युवा वर्ग उससे संतुष्ट है ना कोई और महिलाएं कोई संतुष्ट है, जो भी है उनका झूठ है और जो भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं नौकरियों से संबंधित भत्ता से संबंधित या फिर जो 1000 रुपये की योजना वो लाए 2019 के पहले उन्होंने कहा था 72,000 देंगे सालाना, ये आदिवासी माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकते है वो, तो झारखंड और चंदन क्यारी की जनता की रक्षा क्या है? एक सवाल है, 10 सीटों को 10 तारीख को 10 बजे उठा रहे हैं, क्या हम ये चर्चा जो आम है आप जब नेता प्रतिपक्ष का स्थान है अमर बाबरी राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं तो क्या ये संकेत प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं इस सभा के माध्यम से
प्रधानमंत्री जी का 6 सभा होगा और किसी न किसी विधानसभा में होगा, तो सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका जो माकूल आया है, ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ सकते हैं, बाकी किसी दूसरे पार्टी में प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी मालूम रहता है जे जे एम में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, RJD में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भाई शिवसेना में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ना TDP में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ना तृणमूल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये प्रश्न का जवाब सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी से ही खोज सकते हैं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के गौरवशाली कार्यकर्ता है, अपने पार्टी पर, अपने काम करने पर और भारत माता की जय कहने पर हमें विराट आनंद और गर्व का अनुभूति होता है। एक पार्टी है जो किसी को भी ला करके मेरे जैसे एक साधारण दलित के बेटे को, चंदन क्यारी के प्रतिनिधि को नेता प्रतिपक्ष तक बैठाने का काम किया। झारखंड में और पूरे देश के अंदर शायद ही कोई नेता प्रतिपक्ष दलित का होगा, झारखंड और बिहार के इतिहास में तो शायद मुझे लगता है ये पहला मौका मिला है। अब वहाँ ला करके पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे हमारे दल के अंदर कई एक वरिष्ठ लगन है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं, हमारे अर्जुन मुंडा जी कई बार के मुख्यमंत्री, हमारे चंपई सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, कई एक वरिष्ठ साथी। हमारी कार्य पद्धति एक स्थापित है जिसमें विधायक दल के बैठक के बाद, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन के बाद हम लोकतांत्रिक पद्धति से अपना नेता चुनते हैं और फिर उसके दायित्व के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसमें कोई विषय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, विषय यह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बनेगी, नहीं पुनरु का नहीं। झारखंड के अंदर जितने भी अवैध मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, जो बनकर के तैयार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा दहाड़ मार के कहता है कि CNT SPT को लागू, CNT SPT आपने नहीं, हो तो आज़ादी के पहले से लागू है, उसका रक्षा करने का भार आपके ऊपर है। लगातार उस पूरे संथाल पूर्णा क्षेत्र में 7-7 बार 8-8 बार लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा एक एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है, बावजूद उसके उस क्षेत्र में डेमोग्राफी का इतना बदलाव कैसे हो गया, आज आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में कैसे अवैध मदरसे और अवैध जो है मस्जिदें बन गई, आदिवासियों की जमीन पर कैसे बन गया, इन सारे अवैध मस्जिद मंदिर, अवैध मदरसे, ये सारे अवैध मदरसे मस्जिदों का जो भी CNT के जमीन पे, SPT के जमीन पे बन के रखा है, ये सारे लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिन्हितकरण के बाद इनके भी उखाड़ करके बाहर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और चंदा का भी सॉल्व हो हम लोग। करीबन 20-25 दिन पहले तक आपके साथी थे हुआ काम और मंदिर के समर्थन में थे। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आमलाबाद में 6-7 महीने पहले एक घटना हुई थी। सोनू रजक एक युवा साथी, एकमात्र घर का चिराग था बेटे के रूप में, एक सोनू अंसारी उसका मित्र था, निर्ममता पूर्वक दिन दहाड़े आमलाबाद में चाकू से मार करके उसकी हत्या कर दी। चंदन कैरी की घटना बता, सोनू रजक की हत्या सोनू अंसारी ने कर दी। हम लोग गए वहां पर, हम लोग पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी पहुंचे, मैं पहुंचा, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो माननीय वहां जा करके 2 संवेदना के शब्द भी नहीं कह पाए, जब वो कि वो गठबंधन के नेता थे, फिर भी वो नहीं पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि हम वहां जाएंगे तो ये तुष्टिकरण वाला राजनीति का जो है उसमें कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगेगा और उनको भविष्य भी देखना लगता आता है, उनको लगता है कि भाई हो सकता है जब हम यहाँ तक जाएंगे और हमको उधर जाना पड़ेगा तो कम से कम इसको हम बचा लें। इस डेट में आपको बता दूंगा, 6 महीने के पहले की बातें हैं, लगभग 6-7 महीने के पहले की बातें हैं, बहुत जोर होगा तो 1 साल के आसपास का होगा। ये बहुत विभत्स तरीके से हत्या हुआ था, लेकिन कोई जा करके खड़ा नहीं हुआ, कोई जा करके एक शब्द नहीं कहा। भाई इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात हो सकता है कि आप वोट बैंक की राजनीति के कारण, आप तुष्टिकरण की राजनीति के कारण न्याय अन्याय धर्म अधर्म और कानून इसके सारे चीज़ों को तिलांजलि दे देते हैं। आपके लिए सिर्फ महान आपका वोट बैंक है, उसके लिए नतमस्तक बने रहिए, उसको न पानी चाहिए, न बिजली चाहिए, न सड़क चाहिए, उसको खाली रहने के लिए, शरण देने के लिए आप जगह दे दीजिए, बाकी चीज़ें तो खुद कर लेगा, वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, वो सारा करके वो खुद बना लेगा, उसको तो कुछ चाहिए, बस इनको वोट देकर इनको भी क्या चाहिए, इनको एक सत्ता चाहिए जो दोनों हाथों से लूटे, दोनों हाथों से लूट करके अपना तिजोरी भर के यदि झारखंड में चीज़ें गड़बड़ा के ख़त्म भी हो जाएगी तो निकल लेंगे, चले जाएंगे कहीं विदेश और कहेंगे कि कभी झारखंड में आदिवासी रहता था, ऐसे ही बात है। इस छद्म आदिवासी नामधारी पार्टियों का इस वर्ष समूल नाश झारखंड की जनता करने वाली है। झारखंड को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झारखंड के विकास की गति भी आगे बढ़ाने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगा और इस सुअवसर पर करेगा जब धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती 2025 में। धन्यवाद।